गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यह देखिए मैं पहनी हुई वाला कुर्ती, और जो कि इस टाइप का है, एंड मैं आप लोगों को बताई थी कि जैकेट वाला है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस पर मैं वाइट कलर का पैंट पहनी हूँ, और बाबू को मैं दिखाती हूँ। तो आज मेरे लाडले अभी मंदिर से पूजा वूजा करके आ गए हैं। घर में भी पूजा पाठ हो, कुछ बना ही नहीं हुआ है क्योंकि देरी हो गया, तो चलती हूँ फटाफट से कुछ बनाने, क्योंकि उधर भी जाना है, फिर शाम के क्या करना हो भी बताऊंगी। तो फिलहाल अभी फटाफट से बना लेती हूँ, क्या बनाऊंगी वो भी अभी कन्फर्म नहीं है, तो मैं बताती हूँ थोड़ा देरी के बाद, और वीडियो में स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे बना रही हूँ पनीर, यहाँ पे बना रही हूँ खीर सेवई, और यहाँ ड्राई फ्रूट्स का पनीर बन रेडी हो गया है। यहाँ सलाद के लिए रखे हैं, यहाँ पे भुजिया सेवई, और यहाँ पे आटा बना के रखे हैं, खीर बनाना थी कचौड़ी बनाने के लिए कढ़ाई रख दिए हैं गैस पे। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से ले आई निकाल के खाने के लिए सारा कुछ एक जगह करके। तो आइए आप लोग भी खाइए और प्यारा आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मंगाए हैं कुछ जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये आया है चुन्नी, जो कि ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मंगाए हैं चुन्नी, जो कि काफ़ी अच्छा है, सुंदर है, बड़ा है, और इसका लंबाई भी अच्छा है। ये देखिए, तो इसको मंगाए हैं, ये देखिए मैं और भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, तो मेरे पास ये चुन्नी है घर में है, लेकिन वो दूसरा डिजाइन का है, तो मैं सोच काफ़ी देर से सोच रही कि चुन्नी लाने के लिए, बहुत खूबसूरत लगा तो मैं इसको मंगाई, और काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, और कपड़ा भी अच्छा है। इसका साइड में देखिए ऐसे वॉल्वेट ऐसे बनाया हुआ है, मोती पिरोया हुआ है, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, वर्क बहुत बारीक किया हुआ है, रस्मी धागा से है। तो चलिए लोग को जो बताइएगा। तो कथा अभी स्टार्ट अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, अभी तो सिर्फ बैठे हैं, इसीलिए मैं सोची तब तक वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी तुरंत जस्ट पार्सल आया, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, और मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा, क्योंकि क्वालिटी उसका बहुत अति भी एक होता है डुप्लीकेट जैसा, वो ख़राब ऐसा नहीं है, हमको अच्छा लगा। और चूड़ा तो जो कि मैं कल लाई थी, तो दिखाई थी आप लोग को, मंगाई थी जो, तो अभी भी दिखाऊंगी। और देखिए बाबू से मिलिए, इधर आओ ना, उधर। हाय, हेलो। आप लोग के साथ पहन के भी मतलब, और ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और साइज वाइज उसका चेक नहीं किए हैं, लेकिन मेरे अंदाज से हो जाएगा। अभी तो सुबह में मैं जल्दी जल्दी उठी, झाड़ू पोछा की मतलब सारा काम वो फिनिश करके, नहा धो के, पूजा पाठ करके रेडी हो गई थी, माला वाला जाप करके। तो आज ट्यूसडे, तो ये भी डेली पूजा करते हैं, तो जल ढरने जाते शंकर भगवान के मंदिर में, तो पूजा भी करने गए थे तीनों मिलके, और पूजा वूजा मैं करके आई, उसके बाद फिर ये बाहर गए थे कुछ सामान लाने के लिए, वो लेकर आए। उसके बाद फिर बाबू स्कूल गया, स्कूल में उसको ट्रॉफी बांटना था सारे क्लास बच्चे को और टीचर लोग को, तो गया स्कूल में, गया सबको ट्रॉफी बांट देकर आया। उसके बाद फिर बनाए, अभी बनाए हैं नाश्ता में वो आप लोग के साथ शेयर। तो हम लोग सारे लोग खाओ लिए और खिलाए भी, और दो वो आए थे, मैं उनको क्या बोलूँ नहीं समझ में आ रहा है, बस भगवान का आशीर्वाद था कि वो मेरे दरवाज़ा पे आए, और बाबू को बहुत ब्लेसेस से बहुत सारा आशीर्वाद दिए, हम लोग को भी बहुत आशीर्वाद दिए। और फिर अचानक से आए थे, उन लोग को भी आइडिया नहीं था, मुझे भी कुछ पता नहीं था, तो बस यही सब चल रहा है। और अब शाम को कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, और केक वेक शाम में ही काटूँगी, और शाम को इनको जाना भी है, तो देखती हूँ केक काटूँगी मैं, उसका वीडियो भी बनाऊँगी जो कि आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में, हो सकता है शॉर्ट वीडियो में रात में ही डाल दूं, और शाम में काटेंगे, देखते हैं। तो बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी सारा चीज़ मैं बना ली, और बाहर भी जाना था, तो बोली चलिए
फिलहाल अभी यही काम कर यही भी बना लेते मीठा मीठा, और वो सब खाना पीना भी हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है और खुश लगता है मन पूरा। सुबह से एक तो कॉल बहुत ज़्यादा आया था, तो सुबह से बहुत लोग को कॉल आया, वीडियो कॉल आया, तो पहले तो बाबू सोया हुआ था तब से ही फ़ोन आ रहा था, तो मैं उठा के बोली कि सारे अकेले भी सो रहा है तो बाद में बात करना है, तो बहुत फिर उसको उठाई जल्दी से कि थोड़ा जल्दी उठ जाएगा तो मंदिर में जल्दी पूजा वूजा करके आ जाएंगे। तो मंदिर उंदिर गए तो उसको मोबाइल लेकर मैं नहीं गई थी, इसीलिए मेरे को तो दिखाना नहीं चाहिए, तो भगवान भी सच्चा श्रद्धा और सच्चा मन से जाना चाहिए। तो मैं ऐसे हमेशा वीडियो बनाती थी मंदिर में, वैसे बनाऊंगी लेकिन जब मैं खास दिन की जाती हूँ चाहे ऐसे स्पेशल जाती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बनाती, यानी कि मोबाइल लेकर ही मैं नहीं जाती। कुछ दान भी करना हो तो नहीं करना, दिखाना चाहिए, बहुत लोग दिखाने के लिए ही वे दान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं बस दिखाने के लिए। मुझे दिखाना नहीं था, बस पूजा करना था, भगवान जी को प्रणाम करना था, उनसे आशीर्वाद लेना था, तो बस मोबाइल लेकर मैं नहीं गई। और तो यही सारा कुछ हो रहा था, तो पूजा पाठ तो हो गया था सुबह जल्दी, तो आए तो फिर कुछ कुछ काम किए घर के, और ऊपर से बात करने में बाबू तो परेशान हो गया, उतने लोग को प्रणाम किया बहुत ज़्यादा, मम्मी आप कितने को बोलूँ, सारे को एडवांस में, जब फोन किसी का आ रहा था तो प्रणाम थैंक यू साथ साथ ही बोल रहा था, तो बहुत लोग को फ़ोन आया, बहुत लोग को मैसेज भी तर ऊपरी आ रहा है, बहुत के तो मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है, और इधर थोड़ा सा बिजी हूँ घर में, थोड़ा सेट करने में, इसका भी कपड़ा उपड़ा, तो ये जो ड्रेस पहना है इसको लाए हैं और बाबू के लिए, और इसका दो तीन ड्रेस और लाए हैं जो कि अभी रखा हुआ है, और इसके फूआ भी इसको पैसा दिए हैं कपड़ा लेने के लिए, जो कि मैं वो बोल रहे थे कि जाइए और लीजिए तो मैं पेमेंट कर दूंगी, तो मैं बोली अभी तो नहीं जाऊंगी, तो बोल देने के लिए पैसा भेज दिए हैं कपड़ा उपड़ा, तो यही सब चीज़ हो गया है। तो शाम के निकलूंगी तो इसका कपड़ा भी और ऊन का पैसा के ले लूंगी, और इसके लिए कुछ सामान भी लेना है, बाबू के लिए केक उक भी लाना है, सो थोड़ा झूला भी झुलाना है, तो देखते हैं काका कर पाते हैं क्योंकि इनको शाम के जाना भी है, तो उनको क्या फाइनल होता है, तो यही सब में लगे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ा देर बाद, दिखाऊंगी आगे क्या करने का प्लान है, अभी फिलहाल प्लान कुछ नहीं बनाई हूँ क्योंकि ये ड्यूटी चले गए हैं, और कहाँ जाएंगे आज ही इनको जाना है, क्या करना है वो हिसाब से प्लान करूँगी, तो फाइनली बताऊँगी कि क्या कर रही हूँ। तो बस यहाँ देखिए बैंक लेके आने के लिए क्या निकलता है, ये इसको बैंक फूट रहा है, यहाँ देखिए इसका बैंक फूट गया, इतना पैसा निकलता है वो तो गिनने पे पता चलेगा। सिक्का काउंट करते हैं जो 10 का है, और इतना सारा नोट निकला है, देखिए मिला के 9000। चलिए आज वीडियो कर दे हैं पे एंड, तो मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, और केक कटिंग का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, तो चलिए बाय बाय,